वालेकुम मेरा नाम जवाद है और मैं और मेरा बेटा मोहित हम दोनों ने यूट्यूब का चैनल शुरू किया और अभी फ़र्स्ट फेज़ में हमने इसके ऊपर पेंसिल ड्राइंग्स की वीडियोस डालनी शुरू की हैं और इसका मकसद ये है कि जिन लोगों को ड्राइंग करने का शौक़ है जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो, तो एटलीस्ट उनको जितना हमें आता है ड्राइंग का वो हम बताएं जिससे ताकि उनकी ड्राइंग इम्प्रूव भी हो और उनका फर्दर जो है वो हॉबी फ़र्दर डेवलप हो हमारे नॉर्मल यही प्रॉब्लम होता है कि जिन लोगों को इस चीज़ का शौक़ भी होता है तो अक्सर कुछ सिखाने वाला नहीं मिलता लेकिन अब चूँकि यूट्यूब पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है और आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं तो इसी पर्पज़ uh, के तहत हमने ये वीडियोज़ भी डाली हैं और फर्दर हम इनको मज़ीद बेहतर भी करेंगे ताकि जो सीखने वाले हैं उनको वो सीखें भी और फ़र्दर अपने हाँ प्रैक्टिस भी करें इसको मज़ीद uh, इसके अलावा नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह हमने इसके ऊपर पेंटिंग्स की वीडियोस भी डालनी है लेकिन इन द बिगिनिंग हम फ़र्स्ट फेज़ में इसके ऊपर सिर्फ पेंसिल की ड्राइंग की वीडियोस डाल रहे हैं ताकि मुख्तल ऑब्जेक्ट्स की ताकि हर किस्म की आपको इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत दी जा सके इसमें इसके अलावा ये भी बताया जा सके क्योंकि अभी तक हम इसके ऊपर तीन वीडियोज़ डाल चुके हैं और वीडियोज़ के दौरान अक्सर औकात देखते हुए लोगों के जहन में ख्याल आता है देखने वाले के जहन में ख्याल आता है कि ये पेंसिल इस वक्त कौन सी यूज़ कर रहे हैं या ये रबर कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा मिक्सिंग करने के लिए कोई चीज़ और इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और ऐसा है इसमें ड्रॉइंग में तो आपको जैसे अंदाजा होगा कि इसमें कोई इतना एक्सपेंसिव हॉबी नहीं है इसमें दो तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं बेसिकली यही चाह रहा था कि आपको एक्सप्लेन एक ऐसी वीडियो में कर दूँ ताकि दौरान किसी वीडियो के अगर वो यूज़ हो रहा हो तो आपको पहले से मालूम हो कि ये चीज़ आ, क्या है और इसको इस्तेमाल किस वक़्त करना है इससे होगा क्या असर पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर प्लस ये है कि हमने इन अगली वीडियोज़ में आ, साथ साथ ऑडियो में समझाएंगे भी कि इस चीज़ में ऑब्जेक्ट में आपने कई चीज़ों का ख्याल रखना है कि शेडिंग है तो कहीं पे लाइट है तो साया बनेगा तो साया इंटेंस होगा या नहीं होगा किस तरफ बनना चाहिए कितना बनना चाहिए ताकि वो जितना रियलिस्टिक होगा उतना वो अच्छा लगेगा तो इसके अलावा मैं अभी आपको पेंसिल्स का बताता हूँ और जो दो एक दो टूल्स और हैं वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छा ये दो तीन टूल्स हैं बेसिकली जो इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग में इसमें ये दो तीन किस्म की पेंसिल्स हैं ये एक नॉर्मल एच पेंसिल है जो नॉर्मली इसके ऊपर आप दुकान में जाएंगे तो आपको एच की लिखी हुई पेंसिल मिलेगी जो अक्सर आम तौर पे मिल जाती है एक ही एच पेंसिल है जो ना गहरी होती है और ना ज़्यादा लाइट लिखती है नॉर्मल इसका जो है वो राइटिंग का कलर होता है ब्लैक कलर इसके अलावा आ, ये मतलब मैं जो दो तीन पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ उसमें ये थ्री एच पेंसिल है ये नॉर्मली आपको हर दुकान में तो नहीं मिलेगी लेकिन ये किसी जो अच्छी स्टेशनरी की दुकान होगी जिनके पास ज़्यादातर सामान होता है और जहाँ से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह अपना प्रोजेक्ट्स के लिए इस चीज़ें लेते हैं वहाँ से आपको ये आसानी से मिल सकती है ये थ्री एच पेंसिल है ये बहुत लाइट है इससे फर्दर ये फाइव एच तक भी चला जाता है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती हैं वो मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ और ये फ़ाबर कैसल की ब्रांड की पेंसिल है तीस पैंतीस रुपए की मिल जाती है और ये अच्छा ख़ासा चल जाती है इसके अलावा ये दूसरी जो पेंसिल है ये टू बी पेंसिल है ये ये जो एच बी पेंसिल से ज़्यादा डार्क लिखेगी जो बी का नंबर ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि ये ज़्यादा गहरी है और जिसमें एच का नंबर ज़्यादा होगा वो उतनी लाइट होती जाएगी तो ये थ्री बी है ये एच बी पेंसिल से थोड़ा सा और डार्क कर लिखती है इसके अलावा ये फोर बी पेंसिल है फोर बी पेंसिल और ज़्यादा डार्क लिखेगी जहाँ पे आपको साया बनाना होता है डार्क चीज़ दिखानी होती है उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं ये फोर बी पेंसिलें हो गई इसके अलावा नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम पेंसिल से उसमें रंग भर देते हैं ब्लैक कलर भर देते हैं तो ये बेसिकली मैंने आम एक कागज़ जो है वो रोल किया हुआ है और रोल बहुत आपको बिल्कुल करीब करीब से करना पड़ेगा ताकि ये दरमियान में इसके सुराख सा ना बने ये बिल्कुल जो है ना ये पेजेस का रोल बना हुआ है और ये इन्होंने जगह को बिल्कुल कवर किया हुआ है और इसके ऊपर जब ये सर रोल बन जाए तो ये मैंने टेप लगा दिया ताकि ये अनफोल्ड ना हो और बेसिकली ये होता है कि आपने अगर कहीं पर शेड करने के बाद उसको प्लेन करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेन की तरह ही यूज़ हो जाता है अक्सर लोग बल्कि मैं भी बाज़ात इस्तेमाल रुई इस्तेमाल करता हूँ लेकिन रुई जो है वो आपको स्पेसिफ़िक बाउंड्रीज से बाहर निकल जाता है वो उससे फिर अच्छा नहीं लगता तो ये जो टूल है ये आपका स्पेसिफ़िक एरियाज़ में आप आराम आराम से इसको रब करके उसको अपना शेड को आप जो है ना इवन कर सकते हैं उसको जो है वो वो अपने एरिया के अंदर ही रहेगा और वो बाहर भी निकले निकलेगा तो ये एक पेन पेपर का टूल है आम सी रबर होती है और वो आप इस्तेमाल करें नॉर्मली इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है ये वो इस्तेमाल करें जो कि रबर रब करने के बाद गन ना फैलाए नीचे आपको पेपर को ब्लैक ना कर दे अपना असर ना छोड़ दे तो ये चीज़ें तो मज़ीद मैं इन शाला आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में ऑडियो के दौरान आपको बनाने के दौरान इन शाला एक्सप्लें करूँगा कि किन दो तीन चार चीज़ें हैं ऐसी कि जिनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका जितनी ड्राइंग है जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाए और जित जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक होगी उतनी वो अच्छी लगेगी तो वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा तो इनशाला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी थैंक यू जनाब